हजार रुपयाच्या नोटे पाठोपाठ 500च्या जुन्या नोटाही पेट्रोल पंपावर स्वीकारणं बंद झालंय. शिवाय विमान तिकिटासाठीही 500च्या जुन्या नोटा वापरता येणार नाहीयेत. त्यामुळे सर्व पेट्रोल पंपावर ग्राहकांना आता नव्या नोटांनी व्यवहार करावा लागतोय. परिणामी जुन्या नोटा संपवण्यासाठी त्या फक्त बँकेतच भरण्याचा पर्याय शिल्लक राहिलाय. तर त्याच वेळेला शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल वसुली सुरू झाली आहे. त्यामुळे सुट्या पैशांवरून टोल नाक्यांवर वाद होऊ लागले. तर टोल नाक्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. मागे असेल तर फ्री मध्ये सोडायला पाहिजे. किती मोठी लाईन लागली मागे बॅक साईडला, त्याच्यावर काय उपाय? तरी पण पैसे घेतात का? हा तरी पण पैसे घेतात, पैसे घेतात, सोडत नाहीत. अभी ऐसा है हम लोग 15-20 मिनट से क्यू में है और नियम ये बोल रहा है कि आप 5 मिनट से अगर ज्यादा हो तो आपको क्यू में ये टोल भरने का जरूरत नहीं. अभी मैं आपके सामने 10 मिनट से इधर वेट कर रहा हूँ चेंज के लिए. प्रॉब्लम तो हो रहा है, अभी 500 रुपया का नोट नहीं ले रहा है लोग. क्या कह रहे हैं? नहीं लेंगे, खुदरा नहीं है, कहाँ से देंगे? हम 500 रुपया का तेल डालेंगे डीजल, हमको तो खुला नहीं दे रहा है यहाँ पर. हम कैसे तेल लेंगे और कैसे घर जाएंगे? अभी तो जलपाईगुड़ी जाना है हमको. हम तो खुला लेके आया था, रोड में सवारी हमको ये दे दिया तब खुला कैसे करेंगे हम? खुला तो पैकेट से देना ही पड़ेगा ना उसको. अभी 2000 निकल रहा है, 2000 से 200 रुपए का तेल लेगा, 1800 रुपए हम कहाँ से देंगे? 100 रुपए का भी बहुत क्राइसिस है यहाँ पे, ठीक है? इसलिए कस्टमर को घुमा दे रहे हैं हम. सेल भी कम रहा है, सारा घट रहा है सेल, क्या करें? अभी खुला नहीं है तो क्या करेंगे बोलिए.